بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم برادران عزيز حسن اختیار کے عنوان پر ہماری گفتگو اس آیت کی روشنی میں آگے بڑھ رہی ہے کہ جس آیت کو آیت الکرسی کا ایک جزء یا اس کا تتمہ قرار دیا جاتا ہے اور یہ آیت یقیناً ہمارے بچے بچے کینوں کے زبان پر ہے مگر اس آیت میں کتنے مفاہیم ہیں اور اس آیت کی روح کیا ہے اس کی طرف ظاہر اس سے پہلے جو آیت ہے جسے آیت الکرسی کے عنوان سے تمام مسلمان ورد زبان و حرز جان بنائے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی بے پناہ معنویت اپنی جگہ بے شک اس آیت کی معنویت اپنی جگہ اور اس کے بعد جو آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا اس کی معنویت اپنی جگہ ابھی اس آیت کے ذمے آج آٹھویں تقریر شروع ہو رہی ہے مگر ابھی اس آیت کے مفاہیم کا عشر عشیر بھی ادا نہیں ہوا آخر یہ کسی میر و غالب کا کلام تھوڑی ہے یہ خالق اکبر کا کلام ہے جتنے ترجمے ہیں قرآن مجید کے جتنی تفسیریں ہیں وہ سب منشأ الہی کو سمجھنے کی بشری کوششیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلام خالق کو سمجھنے کی انسانی کوششیں کتنی ہی گفتگو کیجئے کسی بھی آیت کے بارے میں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں اور چند قطرے ہاتھ میں لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ یہ قسم یہ قرآن عجیب معجزہ ہے بہرحال جب اسی قرآن کو ہم مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو دل و دماغ کی تشفی کچھ زیادہ ہوتی ہے بلکہ بہت کچھ ہوتی ہے
कुछ या बहुत कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि हम खुद जनाब मुस्तफ़ा और अहले बैत मुस्तफ़ा के कलाम को भी समझने की कितनी सकत रखते हैं, और खुद उनसे इस्तेफादा भी कितना किया गया। उठा कर देखें तफासीर का मुताला फरमाएं, हदीस की किताबों का मुताला फरमाएं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई जिसे कहते हैं कि प्योर और टेक्निकल तालिब इल्माना बहस छेड़ना मुनासिब नहीं है। क्या हम अपने इल्म रिजाल पर नज़र डालें, इल्म हदीस पर नज़र डालें, इल्म तफसीर पर नज़र डालें और देखें कि तफसीर मासूर कितनी है और तफसीर बिर्राय कितनी है। मैं बिला वजह थोड़ी अर्ज़ करता रहा हूँ कि ये आयत करीमा ऐसा लगता है कि करबला की आवाज़ है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर व इकराह नहीं है। قد تبين الرشد من الغي, नेकी का रास्ता रुश्द हिदायत व सआदत का रास्ता और बुराई का रास्ता नहुसत का रास्ता सरकशी का रास्ता दोनों जुदा हो चुके हैं। فمن يكفر بالطاغوت, तो जो भी तागूत का सरकश ताकतों का इनकार करे, वयुमिन बिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और अल्लाह पर ईमान ले आए। लोग पूछते हैं कि फलसफे शहादत हुसैन क्या है, फलसफे करबला क्या है, और फिर ये कि आज उसका रिलेवेंस क्या है। वाह 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 वाह, आज जबकि ये फैली हुई दुनिया सिमट के ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आज जिक्र हुसैन की मानवियत क्या है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आज इस शहादत का फैजान हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये सवालात होते हैं। देखिए ना, इसलिए कहता हूँ दुनिया दारे गफलत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कैसी गफलत चाहिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि पूछा जाता है कि रिलेवेंस क्या है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस कदर दुनिया मादी गफलतों का शिकार होती चली जाएगी, ज़हनो ज़मीर बशर को माबूद से जोड़ने के लिए शहादत हुसैन मिशअल की तरह रोशन रहे। हुसैन ने शहादत क्यों पेश की, इसलिए कि इंसान का रिश्ता अल्लाह से टूट रहा था। जो भी अल्लाह से रिश्ता जोड़ना चाहे वो हुसैन से सबक ले। बात तौहीद की है, जो भी तौहीदी लाइफ स्टाइल इख्तियार करना चाहे, जो भी तौहीदी आइडियोलॉजी इख्तियार करना चाहे, चारा नहीं है यार, बेशक उसे सरकार सैयदुश्शुहदा की सीरत और आपके इस अजीम मुअज्जज़े से कस्ब फैज करना। बेशक فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, जो भी तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, गोया के उसने उर्वत वुस्का को, उसने मजबूत रस्सी को पकड़ लिया, उससे वाबस्ता हो गया। कैसी मजबूत रस्सी कि जो कभी भी टूटने वाली नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कभी भी उसमें इन्हितात और जवाल पैदा होने वाला नहीं है, बेशक इर्तिका ही इर्तिका है, उरूज ही उरूज है। मैंने पहली और दूसरी तकरीर में भी कहा था और मुसलसल कहता रहा कि
तौहीद का चिराग अगर रोशन हो जाए तो कितनी रोशनियां पैदा होती और किस तरह हम अपनी ज़ात को, अपने कल्ब को, अपने ज़मीर को, अपने ज़हन को तजर्बा करके देख सकते हैं कि हम वाबस्ते तौहीद हैं कि नहीं। यूँ तो फर्जंदे तौहीद होने का दावा सभी करते हैं, इस मिल्लत को फर्जंदाने मिल्लत को फर्जंदाने तौहीद कहते हैं। हर शख्स फर्जंदे तौहीद है, लेकिन आसारे तौहीद दूर दूर तक नजर नहीं है। तौहीद में बस इतने ही रासिख हैं कि जरा से में शिर्क हो जाता है। कदम कदम पे शिर्क, इतना कमजोर रिश्ता तौहीद का है। हाँ बेशक रास्ता तौहीद का सिरात मुस्तकीम है, यानी तलवार की धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, आग से ज्यादा गर्म, ये है तौहीद का रास्ता। मगर बारीक होने के बावजूद कमजोर नहीं है। बहुत मजबूत है तौहीद का रिश्ता, बशर्ते कि वो कायम हो जाए, बशर्ते कि ये रिश्ता कायम हो जाए, बशर्ते कि हमने खानदानी जबर के तहत मजहब को इख्तियार न किया हो, अपने हुस्न इख्तियार से मजहब को इख्तियार किया हो। ये कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए, हमारे माँ बाप ने बचपन ही से रटाना शुरू कर दिया, बेटा कलेमा याद कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलेमा तैयबा याद कर लो, कलेमा शहादत याद कर लो, और बचपन से हमने रट लिया। और वो कलेमे वजीफ़े लब बन गए, विर्द ज़बान हैं, नोके ज़बान हैं, और आदतन हैं। या मजबूरन हैं या आदतन, या मजबूरन हैं या आदतन। मजबूरी तो बाज हजरात की ऐसी ऐसी देखी है कि चूंकि मुस्लिम मुआशरे में हैं, मुस्लिम मुल्क में हैं, इसलिए क्या करें, इनकार तो कर नहीं सकते, इसलिए मजबूरन कहना पड़ता है कि भाई मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ, मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूँ, लेकिन न वहदानियत पर दिल में यकीन है, न नबुवत पर यकीन, न हकीकत वही पर यकीन है। ऐसे अफराद मजबूरन समाजी जबर के तहत, समाजी जबर, खानदानी जबर, और ये जबर तो जिंदगी में छोटे छोटे मसाइल में कोई रस्म कायम है हमारे यहाँ, तो अब हम रस्म कैसे बदलें, क्या ये रस्म शरीयत में है, अल्लाह की किताब में है, दीने खुदा में है, मजहब अहले बैत में है, नहीं भाई ये हमारी खानदानी रस्म चली आ रही है, यानी रस्म बरकरार है खानदानी जबर के तहत। आपका हुस्न इख्तियार क्या हुआ, आप फाइले मुख्तार हैं, मैं आम मिसालें दे रहा हूँ, आम मिसालें दे रहा हूँ, कहीं खानदानी जबर है, कहीं समाजी जबर है, कहीं सियासी जबर है, कहीं खुद अपनी तबीयत का जबर है। कमाल इख्तियार तो तब सामने आएगा जब अपनी तबीयत का भी जबर ना हो। कोई जबर ना हो,
और जब हुक्म खुदा सामने आए तो भी एहसास जबर ना हो, एक सरशारी हो कि जिसको मैंने इंतखाब किया था उसने मुझे काबिल समझा के कोई हुक्म दे। एहसास जबर ना हो, एहसास जबर ना हो बल्कि एजाज बंदगी का एहसास, एजाज बंदगी। वो दुनिया की गुलामी होती है जो जिल्लत है, खुदा की बंदगी इज्जत है। और देखिए कल ही की तकरीर में गालिबन हवाला दिया था मैंने कि कुरान मजीद में जो अहद अलस्त का तज़किरा है वो भी किस लहजे में है। अहद अलस्त का तज़किरा किस लहजे में है? क्या हम तुम्हारे रब नहीं है? याद है ना कल की गुफ्तगू कि उसने किस तरह अपनी जात, अपनी मारिफत, अपनी तौहीद आपकी जुज़्वे फितरत बनाया, जबर के अंदाज में नहीं। दूसरी तरफ आपने कैसे कबूल किया वो भी कुरान में है। उसने किस तरह पेश किया आया अलस्त, आपने किस तरह कबूल किया आया अमानत, सूरह अहज़ाब में है। وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان। سبحان الله سبحان الله। हमने एक अमानत, एक नफीस अमानत जमीन के सामने पेश की, आसमानों के सामने पेश की, पहाड़ों के सामने पेश की, इन्होंने वो बारे अमानत नहीं उठाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हू अकबर। आप देखिए किस मकाम पर कुरान मजीद ले जा रहा है ज़हन इंसानी को। तुम जमीन को बेचारा बे इख्तियार समझते हो, किसी बेशऊर बेचारा बे इख्तियार के सामने कुछ पेश नहीं किया जाता। तुम जमीन को अपने कदमों से रौंदते फिरते हो, समझते हो उसमें एहसास नहीं है, उसमें शऊर नहीं है, उसमें इख्तियार नहीं है। पहाड़ों पे चढ़ते हो, पत्थरों को ठोकर मारते हो, समझते हो उनमें शऊर नहीं है। हमने अमानत पेश की इनके सामने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इन्ना अरदनल अमानता, हमने पेश की अमानत, अला समावाती वल अर्द वल जिबाल, आसमानों के सामने, जमीन के सामने, पहाड़ों के सामने। फअबैना यहमिलनहा, इन्होंने बारे अमानत उठाने से इनकार किया, नहीं उठाया। अगर इख्तियार नहीं था तो इनकार कैसे किया? हाँ आप कहेंगे इस्तियारा की बयान है, मगर इस्तियारा किसी हकीकत से मुस्तार होता है, के पीछे कोई हकीकत होती है। जमीन ने इनकार कर दिया तो खुदा ने जमीन पे जबर नहीं किया। आसमानों ने इनकार किया तो खुदा ने आसमान पर जबर नहीं किया। पहाड़ों ने इनकार कर दिया तो खुदा ने पहाड़ों पर जबर नहीं किया। वह हमल हल इंसान, इंसान ने आगे बढ़ के बारे अमानत उठा लिया। यानी ना हमने जबर एक राह से पेश किया, न तुमने जबर एक राह से कबूल किया। जब पहले हुस्न इख्तियार का सबूत दिया था तो दुनिया में भी हुस्न इख्तियार का सबूत दो। सलावात पढ़े मोहम्मद। अजीब दकीक बहसें हैं, मगर मुझे बड़ी खुशी होती है, कल्बी मसर्रत होती है कि इन दकीक मतालिब को आप किस लताफत से कबूल कर लेते हैं। ये लताफत यूं ही नहीं पैदा होती, ये इस फर्श अज़ा की तासीर है, ये इस मिंबर की तासीर है, ये साया आलम अब्बास की तासीर है।
इसे मत भूलिए, इसे मत भूलिए। ये दरमियान में मैं याद दिलाता रहता हूँ। बारह गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि आपने वहाँ परवरदिगार ने आया अलस्क में जिस अंदाज से पेश किया, वहाँ भी मसला अख्तियार का है जबर इकरार का नहीं। बेशक। और ये आया अमानत में हमल हल इंसान, इंसान ने बार उठाया। ये नहीं है आयत में कि इंसान पर बार डाला गया। लेकिन मैं तो एक एक लफ्ज की तरफ मुतवज्जे करता हूँ। इंसान पे बार डाला नहीं गया, इंसान ने बार उठाया। अब जाहिर है कि असल अल्फाज कुरानी कुछ होते हैं और उनसे जो मजामीन खुतबा तराशते हैं, जो सुखन गुस्तराना बातें शुआरा करते हैं, वो कुछ और होती हैं। मसलन हाफिज शिराजी ने कहा कि आसमां बार अमानत न तवानिस्त कशीद और ए फाल बना में मने दीवाना जरा। वो इसी आयत की तरफ इशारा है, मगर ये शायरी की जबान है। और ए फाल बना में मने दीवाना जदन। अब देखिए इतनी फारसी आपको आनी चाहिए। ये कोई बहुत पेचीदा शेर नहीं है और बहुत मुगलक तरकीबें नहीं है। बहरहाल आसमान बारे अमानत को ना उठा सका और कुरए फाल इंसान के नाम पर डाल दिया गया। मुझ दीवाने के नाम पर, ये मुझ दीवाना जो कह रहा है मन दीवाना, ये मन दीवाना हाफिज तन्हा नहीं है, ये इंसान है, ये इंसान है, इंसान का वजूद। अच्छा ये दीवाना क्यों कह रहा है? क्या हाफिज दीवाना है? हाफिज दीवाना है, खुद को दीवाना कह रहा है और खुद को नहीं, पूरे इंसानी मुआशरे को, इंसानी को क्यों दीवाना कह रहा है? भाई दीवानगी के भी मफाहिम अलग अलग होते हैं, दीवानगी के भी दर्जे अलग अलग होते हैं। कोई दीवानगी ऐसी होती है जिस पर खैरत कुर्बान हो जाती है, कुछ दीवानगियां ऐसी होती हैं कि जिस पर खैरत कुर्बान हो जाती है। इश्क की वो बुलंद तरीन मंजिल के जहां एक बेमारिफत और बे मोहब्बत इंसान साहिब मारिफत और साहिब इश्क को दीवाना कहता है। लेकिन वो दीवाना वो होता है जिसके पास वो आगही होती है, वो इरफान होता है, वो विजदान की दौलत होती है, वो इश्क मोहब्बत की दौलत होती है, जिस पर कायनात की हर दौलत कुर्बान जो आपको नसीब है। आप दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, अपने रुपए को रुपया नहीं समझते, अपने वक्त को वक्त नहीं समझते, जूख दर जूख जिक्र खुदा सुनने चले आ रहे हैं। दुनिया आपको दीवाना कहती है ना, ये क्या कौम है? रात को सोती नहीं, ये क्या कौम है? सुबह हुई मजलिस के लिए चले जा रहे हैं, ये क्या दीवाने हैं? हम वो दीवाने हैं कि हमने अपने अख्तियार से ये बारे अमानत उठाया। ये बारे अमानत हमने उठाया और हम उस पर खुश हैं, मसरूर। और जहां बारे अमानत का मसला आ जाता है, एक अहद का मसला आ जाता है, तो अहद के साथ ईफाए अहद का मसला आ जाता है। ईफाए अहद वफा, ये भी अखलाकी एक कदर है। गुज़श्ता तकरीरों में मैं अर्ज कर चुका कि अखलाकी कदरों को भी अगर तौहीदी बुनियाद पर रखा जाएगा तब वो हकीकतन नश्व नमा पाएंगी, और अगर अखलाकी कदरों को भी तौहीद के असास पर नहीं रखा गया तो फिर वो अखलाकी कदरें
अच्छी तरह नशो नमा नहीं पा सकेंगे। लेकिन कबल इसके कि मैं वफा से बहस करूं, एक मसला और पेश कर दूं आपके सामने कि जो तौहीदी मजाक होता है वो कितना लतीफ़ होता है। देखिए मुझे अंदाज़ा है कि दीनी शऊर, मजहबी जज्बा कहाँ से इन्हिराफ और तगैयर का शिकार हो जाता है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बार बार मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि देखिए जब दीन आता है दिल में तो दिल को रोशनी अता करता है, दिल से हर तारीकी को दूर कर देता है। जब दीन ईमान इरफान लिल्लहियत इखलास दिल में दाखिल होता है तो दिल सख्त रह ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल में नरमी पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल में गुदास पैदा हो जाता है, दिल में सोज पैदा होता है, दिल में दर्द होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नशाते दर्द और है और शकावते बेदर्दी कुछ और। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नशाते दर्द कुछ और। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब दीन दाखिल हो जाता है दिल में और ईमान तो दिल में इतनी वसअत पैदा हो जाती है, इतनी वसअत कि पूरी इंसानियत की समाई उसमें होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी इंसानियत की समाई। कभी कभी कोई गुफ्तगू छेड़ती है और फिर जहन में कोई और रवा आ जाती है, गुफ्तगू का रुख मुड़ जाता है। चनांचे मैं एक या दो रोज़ कबल जनाबे जमील मजहरी का एक शेर सुनाने के बाद दूसरा शेर सुनाना चाह रहा था मगर फिर बात किसी और तरफ मुड़ गई। अर्ज ये कर रहा था कि जो रोशन फिक्री इस्लाम ने दी है, जो रोशन फिक्री कुरान ने दी है, वो दुनिया की किसी मिल्लत को नसीब नहीं। जो साए सदर दिल की वसअत सीने की कुशादगी इस्लाम ने दी वो कहीं नहीं है। यूं रोशन फिक्री का नारा कोई भी लगाता रहे लेकिन हकीकतन रोशन फिक्री हमें नजर नहीं आती कहीं। तारीख फिक्रें देखिए इस्लाम ने क्या रोशन फिक्री दी। कुरान ने तो कहा ही था कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो, वरना वो तुम्हारे बरहक खुदा को बुरा कहेंगे। देखिए किस तरह से तहजीब सिखाई। कौन कहता है कि दीन इंसानियत को बांट देता है। खुदा अपने नाम पर भी इंसानियत को बटने नहीं देता। अब अगर कोई खुदा के नाम पर दीन को बांटे तो दीन इंसानियत को बांटे तो ये दीन का कसूर नहीं है, उस फर्द का कसूर है, उस माशरे का कसूर है, उस आइडियोलॉजी का कसूर है, उस सिस्टम का कसूर। देखिए एक शायर किस सतह पर जाकर महसूस करता है फैजान मुस्तफावी को, कहते हैं जमील इस दिल में वो साथ है के बंदा है मोहम्मद का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के ये के जो है बहुत मानी खेज है, ये के बयान इल्लत के लिए है, तालील है यहाँ पर। जमील इस दिल में वसअत है के बंदा है मोहम्मद का, मोहब्बत इसमें ईसा से, अकीदत इसमें गौतम से। जमील का शेर है, जमील का शेर है। क्या है मफहूम इसमें, यानी इतनी वसअत अता कर दी तालीम मुस्तफा ने कि हमारे दिल में हर मजहबी रहनुमा का एहतराम है, हम किसी की इहानत नहीं करते, किसी की तौहीन तजलील तजहीद ये मुसलमान का शेवा नहीं है। नजरियाती गुफ्तगू अलग है। भाई हम तौहीद परस्त हों या गाना परस्ती इख्तियार करें या हम सनम परस्ती इख्तियार करें, इसको इस मसले को
एकेडमिक अंदाज में बहसो मुबाहिसा करना और बात है, लेकिन मैं पूरे चैलेंज के साथ अर्ज कर रहा हूं, पूरी दुनिया में मुसलमान मुवाहिद है, खुदा परस्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला जरूर है, बुत परस्ती की मजम्मत करता है, मगर कोई एक काबिले जिक्र मुसलमान मुसन्निफ या शायर ऐसा नहीं है जिसने हदफ बनाकर कृष्ण की तजलील और तजहीक के लिए कोई किताब लिखी हो। दिल आजारी की नीयत से, दिल दुखाने की नीयत से, मजाक उड़ाने की नीयत से कोई काबिले जिक्र मुसन्निफ नहीं है। ये रोशन फिक्री और रवादारी मोहम्मद ने सिखाई। ये रोशन फिक्री, ये रवादारी, ये पॉजिटिव और स्पिरिचुअल लिबरलिज्म, सो कॉल्ड मुल्हिदाना सेक्युलरिज्म नहीं, पॉजिटिव ह्यूमन सेक्युलरिज्म, इंसानी रवादारी, ये इस्लाम ने सिखाई है, ये कुरान ने सिखाई है, ये मुस्तफा ने सिखाई है। बाकी कोई एक काबिले जिक्र सफे अव्वल का कोई अदीब, कोई शायर, कोई मुसन्निफ नहीं मिला। ये कहने वाले तो मिले कि कृष्ण का हूं, पुजारी अली का बंदा हूं, यगाना शाने खुदा देख कर रहा न गया। ये कौन मुसलमान शायर कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये क्या रोशन फिक्री है, क्या वसअत है, क्या वसअत है। यानी कोई ऐसा मुसन्निफ नहीं है हमारे पास जिसने किसी मजहबी रहनुमा को टारगेट बनाकर उसकी तजहीक और तजलील का इरादा किया हो, और जो माशरे अपने को रोशन फिक्र और इंसानियत का दोस्त कहते हैं वहां से क्यों ऐसी किताबें लिखी जा रही हैं कि जिससे हमारी दिल आजारी हो। यहां पैगंबर की तो हैदरी मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखी क्यों हो रही है। आप इश्यूज पर बहस करें लेकिन जात पे हमला क्यों हो रहा है, सीरत को मस्क क्यों करने की कोशिश हो रही है, दिल आजारी और तजहीक का इरादा क्यों है, नीयत आपकी तहरीरों से आश्कारा है, क्यों है, या आपकी तंग दिली है या वसअत कल्बी, या आपके फिक्र की तारीकी है या रोशन फिक्री, आपकी तबीयतें लतीफ नहीं कसीफ हैं। लताफत जज्बा और लताफत फिक्र तो इस्लाम के पास है, जिसे फिक्र इंसानी की लताफत कहते हैं ना, फिक्र इंसानी की लताफत, यहां दिलाजारी का जज्बा ना हो, जहां सबका अदब और एहतराम रखा जाए, जहां गुफ्तगु का सलीका हो, बहस के हुदूद हों, कि इश्यूज पर, आइडियोलॉजी पर, थ्योरी पर, नजरिए पर, आइडियाज पर डिस्कस अलग अंदाज से किया जाता है, शख्सियत पे हमला अलग अंदाज से होता है। और हमारे यहां तवज्जो है, ये है लताफत इस्लाम के पास। और एक लताफत और, अब ये तो समाजी मसले आ गए थे, ये मसले भी जरूरी, लेकिन एक और मंजिल है, उस मंजिल की तरफ ले जा रहा हूं। इंसान जब खुदा शनास हो जाता है, जब इंसान खुदा को कबूल कर लेता है, हकीकत तौहीद को कबूल कर लेता है, तो उसके सोचने का अंदाज कितना नर्म, नाजुक और लतीफ हो जाता है, कितना नर्म, नाजुक, लतीफ। अल्लाह अकबर। देखिए यहां पर मसला
अजीब गरीब है। और फिर मैं मजबूर हूँ कि एक शेर का सहारा लूँ। शेर फारसी का है और बहुत बड़े शायर का है, फैजी, बहुत बड़ा शायर गुजरा है, अबुल फैज़ फैजी, अकबर के दरबार का मलिकुश शुआरा, और सिर्फ शायर नहीं था, मुफसिर कुरान भी था, सवातुल इल्हाम, अजीब व गरीब तफसीर है। पूरी तफसीर इस सनअत में लिखी गई है कि पूरी किताब में कहीं एक हर्फ भी नुक्तेदार नहीं आया है। पूरी किताब में क्या जबान पर मलिका था, जबान पर क्या इख्तदार था, यूं ही नहीं था ये इख्तदार, जबान पर मलिका यूं ही नहीं था, सबब ये था कि कस्ब फैज किससे करता था। एक तरफ कुरान था उसके हाथ में, तो एक तरफ नहजुल बलागा। किससे कस्ब फैज करता था? नई नस्ल इन बुजुर्गों का नाम भूलती जा रही है, इन पर काम नहीं हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में भी काम नहीं हो रहा है, अदबी हलकों में भी काम नहीं हो रहा है, काम करने की जरूरत है। इन बुजुर्गों को, इनकी अदबी मीरास को याद रखने की जरूरत है, दोहराते रहने की जरूरत है, बार बार मुतालआ करने की जरूरत है, और उस लताफत फिक्र को महफूज रखने की जरूरत है कि जो एक तौहीद शनास फैजी के यहाँ पाई जाती है। देखिए, हम खुदा से बार बार शिकवा करते हैं, ये गिले शिकवे लताफत तबा के खिलाफ होते हैं। जहालत की बातें हैं, नादानी की बातें हैं, हैं? कमजरफी या बेजरफी की बातें हैं। हमने दुआ की कबूल नहीं हुई, हम तो, हमारी तो किस्मत ऐसी है, हमारा तो मुकद्दर ऐसा है। कभी कभी तो मर्द भी औरतों जैसी बातें करने लगते हैं। मेरे इस किस्म के जुमलों पर औरतों को एहतजाज का हक है, है हक, इसलिए तो जबान के ढले ढलाए फकरे हैं जो मजबूरन मैं कह रहा हूँ, हुस्न इख्तियार से नहीं। ये हुस्न इख्तियार से नहीं, वरना ख्वातीन का शऊर मर्दों के शऊर से कम नहीं होता। ख्वातीन के यहाँ इस्तेकामत और सब्र मर्दों से कम नहीं है, किसी भी वस्फ में औरत मर्द से कम नहीं है, किसी भी वस्फ में मर्द औरत से बरतर नहीं है। अलबत्ता मर्द को मनसब के एतबार से बाज मकामात पर बरतरी दी गई है, वो मुआशरे के एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की मसलहत है और कुछ भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की मसलहत। बहरहाल ये मसाइल फैजी का, अब बगैर किसी तमहीद के मैं वो शेर सुना दूं ताकि बहस को आगे बढ़ा दूं। हम शिकवे करते हैं, गिले करते हैं, और अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, और किस किस तरह शिकायतें करते हैं। वल्ला नादिर है ये शेर पूरे अदबी जखीरे में भी। क्या लताफत शऊर है, कहता है गर बादा दर कफे मने सागर शिकस्तनीस, गर बादा दर कफे मने सागर शिकस्तनीस, नौमीद नीस्ताम के दरे फैज बस्ता नीस्त। सुने, तर्जमा सुनने और फिर तबीयतों को वहां तक लाएं जहां तक मैं चाहता हूं कि आपका जहन और जज्बा पहुंच जाए। हमें जब कुछ नहीं मिलता तो हम शिकायत करते हैं, ये उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, हसद में मुबतला हो जाते हैं, एहसास कमतरी में मुबतला होते हैं और नाउम्मीद हो जाते हैं, है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अजीब जिंदगी हो जाती है। अच्छा, फैजी ने किस मकाम से जहन की तरबियत की, जमीर की तरबियत की, जज्बे की तरबियत की?
हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बस एक ही ख्याल होता है कि दूसरा गासिब है। हक हमारा था, उसने गस्ब कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा थोड़ी होता है। कभी कभी होता है, इसका भी इनकार नहीं कर सकते। तारीख में बड़ी बड़ी मिसालें हैं, वो कहां तक दी जाएं। कभी कभी होता है हक किसी का कोई गस्ब कर लेता है, होता है। माजी में भी हुआ, हाल में भी हो रहा है, आइंदा भी हो सकता है। ये गुनाह खत्म थोड़ी हो गए हैं रूए जमीन से। अलबत्ता ये जरूर है कि जब तक ऐसे गुनाह होते रहेंगे उनका आजाब भी बढ़ता रहेगा जो ऐसे गुनाहों के बुनियाद गुजार हैं। जिन्होंने किसी गुनाह की बुनियाद रख दी। भाई देखिए, ये मजमा, ये मुआशरा मुझे किस नजर से देखता है? बहुत एहतराम से देखता है। बच्चे नौजवान मुझे किस नजर से देखते हैं? बहुत एहतराम से देखते हैं, बहुत मोहब्बत से देखते हैं। मैं कोई ऐसी मिसाल कायम कर दूं कि जो एक गलत मिसाल हो, मुझे देखकर जो नस्लें उस मिसाल पर अमल करती चली जाएंगी, उनके गुनाहों का बार उन पर तो होगा ही, मगर उनके साथ मुझ पर भी होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब तारीख में पढ़िएगा कि अव्वलियात किसके क्या क्या रहे। किसने किन किन बातों की बुनियाद डाल दी। ये आप पढ़िएगा। लेकिन बहरहाल हमारे यहां बस एक तसव्वुर रासिख हो गया कि हमारे पास ये चीज नहीं है तो किसी ने गस्ब किया होगा। वो जालिम, हम मजलूम, वो जाबिर, हम मजबूर। या तो किसी ने किया होगा या नऊज़ु बिल्लाह जसारत इतनी आगे बढ़ती है कि अल्लाह ही से बदजनी हो जाती है कि अल्लाह ने गैर आदिलाना तकसीम की है, उसे दौलत ज्यादा दी मुझे कम दी, उसे कुर्सी इख्तदार पर बिठा दिया मुझे महरूम कर दिया, उसे इल्म दे दिया मुझे नहीं दिया, उसे इस्मत दे दी मुझे नहीं दी। ये भी हसद होता है कि इन्हें मासूम क्यों कहें हम। ये इस्मत का तसव्वुर समझ में नहीं आता। इस्मत कहते किसे हैं? बेखता जीने को। इस्मत किसे कहते हैं? गुनाह न करने को। इस्मत किसे कहते हैं? पूरी जिंदगी को इताअत इलाही के सांचे में ढाल देने को। अरे इस्मत अगर किसी को पसंद ना हो तो उसकी लताफत तबीयत का अंदाजा हो सकता है? तसव्वुर इस्मत से वहशत, जिक्र इस्मत से वहशत। क्या क्या तबीयतें पाई हैं लोगों ने, क्या तबीयतें पाई। बहरहाल मैं इसीलिए उस लताफत तबा को बेदार करना चाहता हूं कि ये ना समझें कि खुदा की तरफ से आदिलाना तकसीम नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह, या कोई दूसरा ही है। कभी कभी ये भी होता है कि मुमकिन है हम अहलियत ही ना रखते हो, हम सलाहियत ही ना रखते हो, हम इस्तेदाद ही ना रखते हो, कदरे नेमत ही ना जानते हो हम। और इसको फैजी ने अजीब अजीब अंदाज से कहा, का गर बादा, अगर बादा मेरे इस हाथ में नहीं है कि जिसमें टूटा हुआ सागर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
गरबादा दर कफे मने सागर शिकस्त अनीस्त। मेरे हाथ में वो हाथ, वो हथेली, वो कफ के जिस पर टूटा हुआ सागर है। यानी वो कह रहा है कि मेरे हाथ में तो सागर ही टूटा हुआ है, अब अगर इसमें शराब नहीं है, बादा नहीं है, तो शिकायत का क्या महल है। अरे भाई, टूटे हुए सागर में बादा कितना ही डाला जाए टिकेगा नहीं। बजोरे बात इतनी ही नहीं है, बात इतनी ही नहीं है। कहता है न तो शिकायत का महल है, और फिर किस बुलंदी तक ले जाता है। खुदा की कसम, लुत्फ इलाही, फैज़ इलाही, फैजान रुबूबियत का ऐसा इदराक व शऊर शुअरा के यहां बहुत कम है। कहता है मेरा सागर टूटा हुआ है, मेरे हाथ में जो सागर है, जो प्याला है, टूटा हुआ है। अगर इसमें बादए फैजान नहीं है तो न तो शिकायत का मकाम है, और उसके बावजूद कि ये टूटा हुआ है, फिर भी खाली भी है, टूटा हुआ भी है, फिर भी मैं नाउम्मीद भी नहीं हूं। क्यों नाउम्मीद हूं, नहीं हूं? इसलिए कि मेरा सागर टूटा हुआ है मगर दरे फैज बंद नहीं है। फैजान का दरवाजा बंद नहीं है, खुदा की कसम, उसके फैजान का दरवाजा बंद नहीं है। गरबादा दर कफे मने सागर शिकस्ता नीस, नौमीद नीस तम के दरे फैज बस्ता नीस। मैं नाउमीद भी नहीं हूं, इसलिए कि फैज का दरवाजा, फैजान का सिलसिला बंद नहीं है। वहां से फैजान का सिलसिला जारी है, जारी है फैजान का सिलसिला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा सब्र और ज़ब्त से काम लीजिए तो एक मंजर बस याद दिला दूं। इलाही फैजान कैसा होता है भाई? हाथ का जिक्र आया, सागर का जिक्र आया, बादे का जिक्र आया, और सागर के टूटे हुए होने का जिक्र आया ना। दो मुहर्रम या पहली मुहर्रम को मैंने जिक्र किया था, एक प्यासा ऐसा था जिसे पिलाया जा रहा था मगर उससे पिया नहीं जा रहा था। इतना प्यासा था कि आंखों में धुंध थी, उसे मश्क नजर नहीं आ रही है, मशकीजे का दहाना नजर नहीं आ रहा है, पानी संभल नहीं रहा है कि पी सके। लेकिन जो नुमाइंदा फैजान रुबूबी था, वो खुद आगे बढ़ा और उसने अपने चुल्लू से उसको पानी पिला दिया। नौमीद नीस्तम के दरे फैज बस्ता नीस। हाँ, ये मंजर इस वक्त याद दिलाना जरूरी था, इस वक्त ये मंजर याद दिलाना बहुत जरूरी था। बहुत सी बहसें रह गई, बहुत से मतालिब रह गए जो आज गुजारिश करने के लिए मेरे जहन में थे। आने के बाद ये फैजी का शेर याद आ गया मेंबर पे, और मकसद ये था कि गुजारिश करूं कि जब नूर तौहीद दिल को मुनव्वर करता है तो सबसे पहले अपनी खुदी का एहसास मिट जाता है। न मैं, न मेरा कुछ, वही वो है और सब कुछ उसका। पहली मंजिल ये, और जब वही वो है सब कुछ उसका, तो अब अगर वो किसी और को अता करता है तो हसद नहीं, एहसास मिल्क नहीं, एहसास तमल्लुक नहीं, और दूसरे से हसद नहीं, तीसरे जो कुछ हमें मिल जाए उस पर शुक्र, चौथी मंजिल ना उम्मीद भी ना हो कि इससे ज्यादा मिल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद भी कायम रहे, वाह वाह वाह, कभी भी मायूस ना हो, उम्मीद का सिलसिला मुनक़ति ना हो, और जो अहद है तुम्हारे और रब के दरमियान उस पर कायम रहो।
ایفائے عہد کرو, تم بندگی کا حق ادا کرتے رہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ربوبیت کا حق ادا نہ کرے. وہ تو ایسا ہے کہ تم بندگی کا حق ادا کرو یا نہ کرو, وہ ربوبیت کے تقاضے پورے کرتا رہتا ہے. وہ ربوبیت کے تقاضے پورے کرتا رہتا ہے. لیکن پھر بھی کیا اچھا ہو کہ تم نے جو بار امانت اٹھایا ہے اس عہد امانت کو پورا کرو اور ایفائے عہد سے کام لو. وفا کی صفت تمہاری ذات میں ہونی چاہیے, اور اگر یہ صفت کہیں نہ ملے تو پھر مجھ سے نسخہ لے لو, اس علم کے سائے میں آ کے بیٹھو, تجربہ تو کر کے دیکھو. اس علم کے سائے میں بیٹھو, اس کے نام کا وظیفہ پڑھو جو دنیا میں وفادار مشہور ہے. کیوں وفادار کہا جاتا ہے؟ کیا عہد وفا پورا کیا, کیا عہد وفا پورا کیا. لیکن یہ صفتیں اس وفادار میں کہاں سے آئیں, کہاں سے یہ صفتیں آئیں؟ یہ پوری تاریخ آج پڑھنا چاہتا ہے. باپ کی طرف سے کیا کیا صفات آئے, ماں کی طرف سمجھ گئے نا, ابھی میں نے نام تو دیا مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وفا کا لفظ آئے زبان پر اور عباس کا تصور ذہن میں نہ آئے. آج 8 محرم ہے, ہماری روایتوں کے مطابق 8ویں محرم کو ہم علمدار لشکر حسین امام حسین کے وفادار بھائی اس بھائی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے سامنے حفظ مراتب اتنا تھا کہ اس نے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا. دیکھو تربیت کیا ہمیں ملتی ہے یہاں سے معلوم ہے, حسین علی کے بیٹے, عباس علی کے بیٹے, حسین جناب زہرا کے بیٹے, عباس جناب ام البنین کے بیٹے. لیکن ہیں تو علی کے بیٹے نا, بھائی تو ہیں جو نسلی اعتبار سے حقیقی بھائی ہو اس کے سامنے بھی جب منصب الہی آ جائے تو وہ بھائی کو اپنا جیسا نہیں سمجھتا. حفظ مراتب ہماری کیفیت اور فکری ابتذال کی کیفیت یہ ہے کہ ہم رسول کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں, ہم ائمہ دین کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. دیکھو عباس زندگی گزار دی اس ایک بات میں کتنا بڑا سبق ہے, کتنا بڑا تہذیبی سبق ہے, کتنا بڑا اخلاقی سبق ہے, کتنا بڑا دینی سبق ہے, کتنا بڑا الہیاتی سبق ہے. ایک بات میں جو نہ جانے کتنی بار ممبر سے کہی جاتی ہے, عباس نے حسین کو آقا کہا ہمیشہ آقا. اچھا یہ حفظ مراتب اور یہ شان وفا کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کہ کہنے والوں نے کہا کہ جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس, جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے. دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے. اب تاریخ وفا اگر بیان کی جائے عبد المطلب ہاشم سے لے کر, عبد المطلب سے لے کر, عبداللہ سے لے کر, ابو طالب سے لے کر, مصطفیٰ و مرتضیٰ سے لے کر, حسن و حسین سے لے کر عباس تک, تو بڑی تاریخ ہے اس کے پیچھے. اور ماں کا سلسلہ دیکھنا ہو,
اگرچہ تاریخ میں وہ تاریخ جو اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے حتی الامکان گریزہ رہی ہے سیاسی اسباب کی بنا پر, اس تاریخ میں تفصیل سے تذکرہ ملتا نہیں ہے, پھر بھی جو کچھ تذکرہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بی بی ام البنین جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں ادبی اور فکری روایت قائم تھی, نابغہ جیسا شاعر ان کے خاندان میں ہو چکا تھا. عجیب و غریب خاندان تھا, لبید ابن ربیعہ جیسا شاعر ان کے خاندان میں ہو چکا تھا. یہ معمولی نام نہیں ہے عربی ادب اور تہذیب و ثقافت کے, اور خود بی بی کے مزاج میں کیا لطافت تھی, کیا حفظ مراتب کا خیال تھا. اور یہ یاد رہے, بی بی کی منقبت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, وقت چلا گیا میرے ہاتھوں سے, لیکن ایک بات عرض کروں, جناب زہرا سے امیر المومنین کا رشتہ خدا نے کرایا تھا, رسول نے کرایا تھا, اور علی نے پوری رضا اور رغبت سے وہ رشتہ کیا تھا. اس کے بعد ام البنین سے جو رشتہ ہے یہ علی کے حسن انتخاب کی ایک بہت بڑی مثال ہے, یہ علی کے حسن اختیار کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اگرچہ بات مصائب سے قریب آ چکی ہے, مگر پھر بھی پوری امت سے گزارش کر رہا ہوں اور جوانان ملت سے, جوانوں اگر زندگی میں کوئی ہدف ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی منزل نگاہ میں ہوتی ہے, کوئی مقام نگاہ میں ہوتا ہے, تو پھر ہر چیز میں حسن اختیار اور حسن انتخاب کو کام میں لایا جاتا ہے. کیسی زندگی بسر کی جائے, کیسا کیریئر انتخاب کیا جائے, زندگی میں شریک کسے بنایا جائے. دیکھو نا, ایک بڑا مقصد تھا علی کی نظر میں, اور اس لیے اپنے بھائی عقیل کو بلا کے کہا کہ مجھے ایک شجاع, بہادر اور وفادار فرزند کی ضرورت ہے. آپ سے ایک جملہ کہوں, آپ کہتے ہیں کربلا حسین نے برپا کی, جس وقت علی یہ کہہ رہے تھے مجھے ایک شجاع اور بہادر و وفادار بیٹے کی ضرورت ہے, کس لیے ضرورت ہے؟ بدر کا معرکہ تو ہو چکا, احد کا ہو چکا, خیبر و خندق کا ہو چکا, جمل و صفین کا ہو چکا, اب کس کے لیے ضرورت؟ جمل و صفین کے لیے نہیں, کربلا کے لیے. یعنی کربلا کا فیصلہ بہت پہلے سے ہو چکا تھا, بہت پہلے سے ہو چکا تھا. ایک مقصد تھا اس کے لیے حسن اختیار و انتخاب سے کام لیا, ایک ایسی شریک حیات جو شجاع فرزند عطا کرے, جو وفادار فرزند عطا کرے, جو با معرفت فرزند عطا کرے. عقیل نے رشتہ کرا دیا. ام البنین جب گھر میں آئی ہیں تو نہ مرتضیٰ کی بیوی بن کے آئی, نہ حسن و حسین کی ماں بن کے آئی, آج فاطمہ کی دیہڑی کو پوسا دیا. گھر میں داخل ہوتے ہی حسنین کے دست بوسی کی, قدم بوسی کی. ارے فرزندان رسول, فاطمہ کے بیٹو, میں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہوں. جو ام البنین کنیز بن کے آئی, اس کا بیٹا عباس ہمیشہ خود کو حسین کا غلام سمجھتا تھا. بس وقت تمام ہو چکا, وقت تمام ہو چکا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عباس کے فضائل بھی بہت ہیں, مگر بعض شخصیتیں ایسی ہیں کہ فضائل بھی پڑھو تو آنکھیں بے اختیار آنسو برساتی ہیں. کون سی فضیلت پڑھیں عباس؟ ایک واقعہ ہے تاریخ میں, مسجد کوفہ ہے, امیر المومنین منبر پر ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, مسجد میں حسنین بھی ہیں. حسین کو پیاس محسوس ہوئی,
ने इजहार किया प्यास का। किसी से कहा प्यास महसूस हो रही है, छोटे से थे अब्बास, सुना और दौड़ते हुए घर की तरफ चले। कुछ देर में देखा कि लड़खड़ाते हुए आ रहे, मगर हाथों में पानी का जाम है। करीब लाके आका की खिदमत में पेश कर दिया, आका प्यासा है, गुलाम पानी लेके आ गया। अब्बास ने कब से सक्का ही इख्तियार किया है? अब्बास की मजबूरी, वो मस्जिद कूफा थी और 10 मुहर्रम को करबला है। हुसैन के लिए तो पानी ले आए, मगर हुसैन के बच्चों के लिए अब्बास कोशिशों के बावजूद पानी न ला सके। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, रोजे आशूरा, रोजे आशूरा। जंग शुरू हुई, असहाब अंसार ने कुर्बानियां पेश की, अहले बैत में से बहुत से जवान शहीद हुए। अब्बास जब भी आते थे करीब, हुसैन एक जुमला कह देते थे, भैया अरे तुम तो हमारे लश्कर के आलमदार हो। एक मंजिल वो आई कि जनाबे अब्बास तशरीफ लाए और कहा, आका अब जरा ये तो बताए वो लश्कर कहाँ है जिसका। अगर मैदान में जाने का फैसला कर ही लिया है तो बच्चों के लिए पानी की सबील करो। एक हाथ में आलम दे दिया, एक हाथ में मशकीजा। वफादार ने मशकीजा लिया, मशकीजे और आलम का एक रिश्ता कायम किया। दूसरे हाथ में नैजा लिया और दरिया की तरफ चले। बस अजीजों, दो तीन फकरे और मैदान करबला का एक मंजर। खुदा करे कि करबला के हालात ऐसे हो जाएं कि आप सब हजरात ज़ियारत से मुशर्रफ हो, जहां जहां भी बेअमनी है अमन और आफियत कायम हो जाए, खुसूसियत से करबला में अमन कायम हो जाए। आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि हरम इमाम हुसैन और दरिया के दरमियान कुछ मकामात हैं। एक मकाम वो है जहां बताया जाता है कि यहां आलमदार का दाहिना हाथ कटक के गिरा। एक मकाम वो है जहां बताया जाता है यहां आलमदार का बायां हाथ कट के गिरा। और उसके आगे वो मकाम है जहां बताया जाता है कि यहां पर आलमदार घोड़े से जमीन पर गिरे। अजीजों, अगर आप देखेंगे तो होना क्या चाहिए? बाजू कब कलम हुए? जब आलमदार ने मशकीजा भर लिया और खैमे की राह ली, तब दुश्मनों ने हमला करके शाने कलम किए। शाने पहले कलम हुए, शहादत बाद में हुई, तो जाए शहादत खैमे से करीब होनी चाहिए, मगर है इसके बरक्स। इसके मानी है जब दोनों शाने कलम हो गए और मशकीजा भी तीर का शिकार हो गया, तो आलमदार ने रुख मोड़ दिया। अब खैमे की तरफ नहीं, अब आलमदार का रुख दूसरी तरफ है। यहां तक के आलमदार घोड़े से जमीन पर आया। बस एक जुमला कहने के लिए आपके शऊर को बेदार कर रहा हूं, आपके एहसासात को बेदार कर रहा हूं। एक जुमला कहने के लिए तसव्वुर कीजिए, जब भी कोई शहीद घोड़े से जमीन पर आता था, उसके हाथ सलामत होते थे। पहले हाथों को जमीन पर रखता था, फिर खुद जमीन पर आता था। अरे मेरा अब्बा जब जमीन पर आया तो सर के बल जमीन पर आया। अब्बास की बेशाली भी शिकस्ता हो गई।
अलम हाथ से पहले गिर चुका था। अब सैयद शहादा ने आवाज दी, भैया तुम्हारे मरने ने हुसैन की कमर तोड़ दी। वाह वाह हुसैन। अब को भरे रे को अलम के दिल सोजी से अब को भरे रे को अलम के इस धूप में से पर मेरे इस धूप में से पर मेरे फैला लगाए या छिद गई मर और वहा से लगाए। हाय बैठी है बती